guys, welcome back to our channel. So, main hu Surbhi and Deepak, and welcome back to our channel Indian Girl in Europe. Aur aaj hum log ek aur informative video leke aaye hain jo ki mujhe lagta hai aap logo ke liye bahut bahut zyada helpful rahega. And start karte hain, par usse pehle Deepak, wow, to hamare haath mein kuch watch hai, looks like a luxury watch. Pehle iske bare mein aapko information de dete hain, fir start karte hain. अगर आपको ये अमेजिंग वॉचेस जो है वो ऑर्डर करना है तो मैं आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट दे रही हूँ. कूपन कोड और जो ब्रांड की वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है. फिलिपो लोरेती करके ब्रांड है, बहुत ही सुंदर वॉचेस हैं. इसके डिज़ाइंस वाओ, मतलब आई एम इन लव विद दीज वॉचेस. सो ये लग्जरियस वॉचेस हैं बट बहुत ही अच्छे प्राइजेस पर हैं. तो एक बार वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करना और कूपन कोड जो है वो यूज़ करना मत भूलना. आई एम श्योर यू विल लव दीज वॉचेस. सो रेडी स्टडी गो एंड स्टार्ट करते हैं. इसके ऊपर रिसर्च जो है वो दीपक ने करा हुआ है. तो दीपक बताओ क्या होता है. एक्चुअली ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको जानना होगा कि क्या आप इंडिया से जर्मनी में एज ए चाइल्ड केयर या फिर एज ए हाउस होल्ड सपोर्ट या फिर हाउस हेल्प आ सकते हैं. एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए इंडिया में मुझे नहीं पता, कुछ है कि नहीं. जैसे आया, मतलब आया बोलते हैं मेड, आया भी करेक्ट वर्ड नहीं है. बेबी सिटर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअली ये क्या है मैं बताता हूँ आपको. ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आप इंडिया से यहाँ आ सकते हैं एक फैमिली के यहाँ, जिस फैमिली को रिक्वायरमेंट है उनके घर में छोटे बच्चे, उनकी टेक केयर करने के लिए और घर के काम काज में हेल्प करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑ पेयर. तो ऑ पेयर के लिए अगर आप यहाँ आना चाहते हैं जर्मनी में तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वीज़ा प्रोसेस है, उसके बारे में हम बात करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं कि हमने जैसे आपको एक्सप्लेन किया ऑ पेयर क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द वीज़ा प्रोसेस. सबसे पहले आपको ऐसी फैमिली ढूंढनी पड़ेगी जिसके यहाँ पर रिक्वायरमेंट है. तो वो फैमिली होती है जिनके यहाँ 18 साल से कम के बच्चे होते हैं. तो और सेकेंडरी चीज़ ये होती है कि दो हस्बैंड वाइफ में से एक ना एक जर्मन नेशनल होना चाहिए या दोनों, और उनके घर में जर्मन लैंग्वेज बोली जानी चाहिए. तो वहाँ पर आप आ सकते हैं एज ए ऑ पेयर. और उसका अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है और क्राइटेरिया क्या है उसके तो, बारे में. तो दीपक, स्टार्ट करने से पहले जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे अगर कोई है कोई भी एज में आ सकते हैं कि इस तरह एज लिमिट प्लस उसकी कोई डिग्री होनी चाहिए क्या किसी के पास? हाँ, एजुकेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए. इस एज के लोग ऑ पेयर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं. और एक और मैं क्लियर कर दूं, ऑ पेयर को एज ए फैमिली मेंबर ही रखा जाता है यहाँ पर. आप सबसे घर का सबसे बड़ा बच्चा कह लो जो सारे बच्चों की देखभाल करता है. तो उसके लिए आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप एज ए ऑ पेयर यहाँ पर आते हैं? तो आपको रहने का अकोमोडेशन मिलेगा उस फैमिली में, खाने का वो लोग आपका अरेंज करेंगे, आपके लिए जर्मन क्लासेस का पैसा वो पे करेंगे, कुछ लिमिटेड अमाउंट्स होती है, इंश्योरेंस पे करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस आपका पे करेंगे, और प्लस आपको 260 यूरोस की पॉकेट मनी देंगे. हाँ, मिनिमम एटलीस्ट. तो क्या होता है ना, जैसे दीपक बता रहा है तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ. जैसा ये बोला, जैसे यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी चीज़ें हैं वो एज ए फैमिली ही एक दूसरे के लिए करती है. तो अगर कोई ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में यहाँ पर जॉब करना चाहता है या किसी की फैमिली में, तो इट्स काइंड ऑफ फैमिली, सिबलिंग, मतलब आप बिगर सिबलिंग टाइप का होगा जो आप मतलब उनके बच्चों की टेक केयर कर रहे हो, साथ में काम कर रहे हो, साथ में आप घर का भी कामकाज देखोगे, हेल्प करोगे उसमें. लेकिन वो काम जो होता है उसका ड्यूरेशन ऐसा नहीं है जैसे अपने 24 आवर्स का ड्यूरेशन होता है ना कि कभी भी बोल दिया कि पर उसका क्या होता उसका है दीपक? रहता है, पर डे आप सिर्फ 6 घंटे काम करोगे, 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करोगे. मतलब अगर आप उस घर में रह रहे हो तो आपको 6 आवर्स आपके डिसाइड कर लेंगे कि हाँ यार आप 12 से 6 बजे तक काम करो या कोई भी 6 आवर्स आपको काम करना है, दैट्स इट. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो 18 से 27 साल के बीच की उम्र के हैं, जर्मनी आना चाहते हैं विदाउट एजुकेशन. तो वो इस बेसिस पे यहाँ पर आ सकते हैं.
पर हाँ, लेकिन कुछ चैलेंजेस होते हैं आपको उस फैमिली में, उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, कई बच्चों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, पर लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ, एंड मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों से कि इसमें मतलब जो पैसा है वो सिर्फ इतना मिलता है कि आप अपना जो नॉर्मल चीज़ें हैं बस उसी का पे कर सकते हो। देखो, बेसिकली मैं सुरभि काट रहा हूँ बीच में, लेकिन वो है कि आपको रहने का अरेंजमेंट है, खाने का अरेंजमेंट है आपका, प्लस आपको 250 यूरो मंथली मिल रहे हैं, ये मान लो करीबन 20,000 रुपये के आसपास मंथली मिल रहे हैं आपकी पॉकेट मनी के लिए, कुछ ख़रीदना है कपड़े वगैरह उसके लिए। आप यहाँ पे ऐसे ऑफ एयर रहो, साथ में अगर आपको कोई कोर्स करना है वो कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाए तो जॉब कर सकते हो, फिर यहाँ पे वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक रास्ता है यहाँ आने का, लेकिन चैलेंजेस हैं जैसे मैंने बताया। और प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको ऐसी फैमिली ढूंढनी है जिसमें ये रिक्वायरमेंट हो और उनको आपको एक्सेप्ट करना है, वो लोग बोले हाँ मुझे ये बंदा या बंदी चाहिए, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे एज ए ऑपेयर, और फिर आप सिंपल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बट दीपक, मैं इसको एज ए दूसरी तरीके से देख रही हूँ कि बहुत सारी फैमिली होती है, जैसे बहुत ही छोटी न्यूक्लियर फैमिली होती है यहाँ पर, अगर उन्हें किसी को बुलाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी को एज ए बेबी सिटर रखते हो तो वो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी को बुलाना है एंड आपको अगर प्रोसेस करवानी है तो सेम यही है, अगर आप किसी को जानते हो और वो इतने से एज लिमिट में है, इतने से इतने में, और आप चाहते हो कि वो आपके घर पे रहे पूरे टाइम, आपके बच्चों की देखरेख करे, एंड द सेम टाइम इट्स नॉट 260 यूरो इज नॉट सो मच जो पॉकेट मनी है, जर्मन क्लासेस का जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता, जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल। तो मैं दोनों ही तरीके से बोल रही हूँ, जो इंडिया से यहाँ आना चाहते हैं प्लस यहाँ पर जो फैमिलीज हैं वो जो चाहती हैं कि कोई उनके बच्चों की टेक केयर करे, है ना। ये है कि लेकिन जर्मन सिटीजनशिप होनी चाहिए जो फैमिली उनको बुला रही है। हाँ। और ऐसी कुछ एजेंसीज भी हैं जिनके थ्रू आप इस टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आई होप आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो अच्छा लगा हो। इस टाइप का हम एक और वीडियो फ्यूचर में, मतलब इस टाइप के डिफरेंट वीडियोस लाते रहेंगे, आपको डिफरेंट तरीके बताते रहेंगे यहाँ पर। जस्ट मैं डॉक्यूमेंट्स और बता देती हूँ जाने से पहले। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए आपका, आपको जर्मन क्लास या तो A1 लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर आपने कहीं ना कहीं एनरोल करवाया हो वो होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट पिक्चर्स एंड देन वीज़ा फीस एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ही कम है अगर मैं देखूं तो, और दूसरे वीजा से अगर मैं कंपेयर करूं तो, बट दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। बट ऐसे लोग दीपक जो यहाँ पर आके अपना कुछ करियर देखते हैं एंड आगे, मैं कई लोगों से ऐसे मतलब मैंने कई लोगों के व्लॉग्स पढ़े हैं, जानता हूँ मैं, जो आसपास के कंट्रीज से यहाँ आए हैं एज ऑ पेयर, कम एज में यहाँ पर आके जर्मन सीखी है, जर्मन सीख के ऑ पेयर काम करते रहे और फिर अपना जॉब करना स्टार्ट कर दिया इधर उधर, और फिर अपना नॉर्मल लाइफ में यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। कई लोग हैं और अब वो 10-10 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के सिटीजन हो गए हैं, जर्मन सिटीजनशिप ले ली है। सो देयर आर एग्जांपल, ऑब्वियसली शुरू में बहुत ही चैलेंजेस होंगे फैमिली को लिए भी एडजस्ट करने के लिए, प्लस जो आ रहा है उसके लिए भी, पर बाद में जो लाइफ है, बिकॉज बहुत कम एज में आ जाते हैं तो बाद में जो लाइफ है बहुत अच्छी है। तो गाइज, इसी के साथ हमने एक नई इन्फॉर्मेशन दी एंड आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। थैंक यू दीपक। नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं टिप दे देता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। वो वीडियो उनके लिए हो गया, अगर कोई एज ए कुक यहाँ पर आना चाहते हो तो स्टे, तो कमेंट करना एक्साइटेड हो या नहीं। इसी के साथ हम जाते हैं गाइज, और ये वॉच का जो कूपन कोड है वो ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज इट्स अ लग्जरियस वॉच और ये जो है वो आपको बहुत कम प्राइस पे मिलेगी, प्लस डिस्काउंट कोड मिलेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। डेफिनेटली यार, ये वॉच मुझे बहुत अच्छी लगी है, सीरियसली। हम दोनों ने पहनी है, हम दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट करी है। बाय बाय।